हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू सेठ ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, सुबह 6:30 बजे से। लोग सोए हैं, देखिए कल रात में बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी, पूरा पानी लग गया था। लेकिन अभी सुबह में तो नहीं हो रहा था, तो मैं गई थी थोड़ा टहलने। लेकिन अभी भी मौसम बना रहा है, लग रहा है बारिश लग रहा है होगी। और सुबह सुबह बैठी हुई बालकनी में गई थी मैं वॉक पे, भी वॉक करके आई हूँ। अगर आप लोग कमेंट पर बोलेंगे तो मैं उधर का भी वीडियो बना के लाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक मिनट में बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से। ठीक है, बहुत लोग टहल रहे हैं और अब तक तो सारे लोग मतलब वॉक से वापस जा चुके होते हैं। सुबह सुबह जो मज़ा आता है टहलने में ना, वो कहीं और सुकून नहीं मिलता, बहुत ही शांत वातावरण है। और देखिए टहलने वाले टहल ही रहे हैं लेट सवेर, बहुत सच में बहुत सुकून मिलता है जब बाहर जाओ, ठंडी हवाएं, और थोड़ा सा मेहनत भी हो जाता है सुबह सुबह, थोड़ा सा क्या ज़्यादा मेहनत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इधर से जाती हूँ मैं और उधर से आ जाती हूँ टहल वहल के इस साइड से, मतलब इसको राउंड राउंड चक्कर काट करके 2-3 चक्कर लगाते हैं फिर आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद मेरा नहाना धोना पूजा पाठ और चाय सुबह का हो गया। और ये देखिए मौसम कैसा हो गया, पूरा बादल आ गए, नहीं तो धूप निकली थी अच्छी खासी और बादल आ गए, और मौसम भी बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैंने ब्लॉग की शुरुआत लंच टाइम से किया है। लंच मैंने पूरा तैयार कर लिया है, और ये तो आप लोग को पता होगा अरबी के पत्तों का पकोड़ा मैंने बनाया है, और बस इसको तलना है। वगैरह सब बना लिया है और आपको दिखाया, मैंने सेगोड़ा बनाया है और गिरोच बोलते हैं हम लोग, गिरोच का पत्ता, और अभी जा रही हूँ मैं उसको तलने। तो चलिए मेरे साथ तलते हैं, इसको बनाते हैं। Thank you.
वगैरह दे दिया था और ये खा लिए हैं, खा कर के कहीं जाना था तो जल्दी जल्दी से चले गए हैं और मैं अभी बोल रही हूँ तो जा रही हूँ लंच करने। तो लंच करने के बाद आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा सा सीरियल भी आ रहा है, मैं सीरियल देखूँगी। और अभी बज रहे हैं 11:30 हो रहा है, देखिए अभी बन रहा है, देखा आप लोग को, अभी भूल रही हूँ और घूमने के बाद आप लोगों से, लंच करने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ठीक है। सोच रही हूँ पार्लर चले जाऊँ क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे थर्ड बार चुके हैं और जाने का जी करता है लेकिन डर भी लगता है, लेकिन अब मुझे जाना ही है। और देखती हूँ कोई लड़की मिल जाएगी तो घर ही में बुला लूँगी, नहीं तो जाना पड़ेगा। और सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जाऊँ मार्केट, भी कुछ काम है, थोड़े हल्के फुल्के जो काम है ना उसको करके आ जाऊँ। और अभी बज रहे हैं 12:30, 12:15, क्योंकि रिश्ता क्या कहलाता आ रहा है दिन में। चलते हैं घर में, चल के बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो आप लोग को पता है कैसा आवाज़ आता है वॉइस ओवर, और मैं कहीं दूसरी तरफ देख रही हूँ। आ जाइए बैठ के बातें करते हैं। आजकल डेली ब्लॉगिंग करती हूँ और शाम तक एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद जब ये ड्यूटी से आते हैं तो उनके मोबाइल से कनेक्ट करके और वीडियो अपलोड करती हूँ। उनका भी डाटा आजकल मैं ख़त्म कर दे रही हूँ। और एक कमेंट आया था कि दीदी आपने ये टैटू कहाँ से बनवाया है, तो जिसने कमेंट किया था वो शायद मुझे लग रहा है दुर्ग का ही है। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ, आप लोगों को नहीं, जो यहाँ के होंगे वही तो ये टैटू बनवाएगा ना, है ना। दूर के तो लोग यहाँ आएंगे नहीं, तो मुझे लग रहा है जिसने मुझसे कमेंट में पूछा वो यहीं का है, दुर्ग का। अगर आप दुर्ग के हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं सही में पकड़ पाई हूँ आपको कि नहीं, आप दुर्ग के ही हैं। अपनी वाइफ के लिए उन्होंने पूछा है क्योंकि उनकी वाइफ भी बोल रही हैं टैटू कराने के लिए। तो भाई साहब मैं आपको बता रही हूँ, ये सूर्या मॉल से मैंने बनवाया था और बहुत ही अच्छा बनाया। मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए, मैंने परमानेंट टैटू बनवाया है और ये परमानेंट रहेगा जब तक मैं रहूँगी। और 6 मंथ वाला भी बनता है टैटू, लेकिन कोई मतलब नहीं होता, उतना ही दर्द उसमें भी होगा लेकिन वो 6 महीने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट रहेगा। थोड़ा सा रेट ज़्यादा लिया था लेकिन फिर भी अच्छा बनाया, मुझे बहुत ही पसंद आया और सब पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छे से बनाया है और वहीं से मैंने बनवाया। तो होप आपको मेरा उस जवाब मिल गया होगा मैंने कहाँ से बनाया। तो अगर आपको बनाना हो तो जा सकते हैं सूर्या मॉल, वहाँ पे है टैटू वाला और बहुत अच्छा बनाता है। और आज मैंने ये चूड़ी भी निकाल दिया क्योंकि बहुत ही भारी भारी लग रहा था। मैं हमेशा कड़े ही पहनती हूँ, कभी कभी इच्छा होता है तो चूड़ी वगैरह डाल लेती हूँ, पहन लेती हूँ, क्योंकि मन ही है, मन को कौन मना सकता है ना। कभी इच्छा करता है तो मैं पहन लेती हूँ, कभी निकाल देती हूँ, जैसे मेरा साड़ी पहनने का मन होता है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, साड़ी वगैरह भी पहनती हूँ और सूट भी पहनती हूँ, ज़्यादातर सूट ही मुझे पसंद है। तो अभी तो लंच बहुत ही टेस्टी था। और जिस दिन ये हम लोग बनाते हैं ना, उस दिन दाल चावल और सहगोड़ा पत्ता, इसको अरबी के पत्ते भी बोलते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सहगोड़ा बोलते हैं, हमारे यूपी में गिरवच बोलते हैं। और इसका असली नाम तो यही है ना, अरबी के पत्तों का पकोड़ा, तो मैंने वही बनाया, बहुत ही टेस्टी बना था, हम लोग का भरपूर हम लोगों ने खा लिया है और शाम को भी चलेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया है और जानबूझ करके मैंने ज़्यादा बनाया क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। होप आप लोग को भी पसंद होगा, है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो में इतना ही,
होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए।